महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित घटनाओं के बारे में जानने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। महात्मा बुद्ध के समय में अक्सर उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं है, और महात्मा बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग जवाब दिया जाता था। लोगों द्वारा महात्मा बुद्ध से यह प्रश्न कई बार पूछा गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, एक जिज्ञासु बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुन रहा था, और वह जिज्ञासु मानता था कि महात्मा बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। वह जिज्ञासु महात्मा बुद्ध से पूछने लगा कि कृपया कर मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। महात्मा बुद्ध ने उस जिज्ञासु की तरफ देखा और मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध बोलने लगे कि ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। उस जिज्ञासु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस जिज्ञासु से पहला प्रश्न यह पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? अब उस जिज्ञासु ने महात्मा बुद्ध की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा और कहा कि हे बुद्ध, यह किस प्रकार का प्रश्न है? मैं कोई बालक हूँ जो ये बालक से पूछे जाने वाला प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो? सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, पेड़ पौधे, कीट पतंगे और हम मनुष्य, हम सबको ऊर्जा देता है, सूर्य तो साक्षात है। तब बुद्ध ने पूछा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य साक्षात है, तब उसे मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ईश्वर के एवज में यह प्रश्न क्यों उठा? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ईश्वर को लेकर कहीं न कहीं आपके मन में संदेह है। इसका मतलब है कि आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने चले हो, क्योंकि बुद्धि वही मानती है जो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ईश्वर आपको कभी भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देगा। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का भला सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? महात्मा बुद्ध ने उस जिज्ञासु से कहा कि ईश्वर को माना नहीं जाता, ईश्वर को जाना जाता है। अगर आपका प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं आपकी मदद कर सकता था। जब आप ईश्वर को जान जाओगे, तब आप भी ईश्वर के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप किसी को अपना अनुभव दे नहीं सकते, लेकिन उसके अनुभव करने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपने महात्मा बुद्ध के जीवन की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। उन कहानियों में महात्मा बुद्ध ने आज तक ईश्वर के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। अब प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध क्या कृष्ण भगवान में विश्वास रखते थे? हिंदू धर्म द्वारा बुद्ध को एक अवतार के रूप में अपनाने की तरह है। बौद्ध धर्म के दिग्गजों ने भी कृष्ण विष्णु अवतार को एक चरित्र होने का दावा किया है, अपनी जातक कथाओं में कृष्ण को अपनाया है। महात्मा बुद्ध की कहानियाँ और उनकी शिक्षा और उनके बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।